हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई नो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आज की जो ये वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। देखिए, हर साल 31 मई को हम वर्ल्ड नो टबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। ये वैधानिक चेतावनी आप हर उस चीज़ के ऊपर देखते हैं जिसमें भी तंबाकू मिला होता है। देखिए, आजकल जो तंबाकू का सेवन है वो हर उम्र का व्यक्ति कर रहा है, लेकिन यूथ जो है, जो नई पीढ़ी है, वो इसकी गिरफ्त में बहुत ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से आ रही है। तंबाकू का सेवन लोग बीड़ी, सिगरेट, सिगार, खैनी, गुटखा, इस तरीके की चीज़ों के रूप में कर रहे हैं। आंकड़ों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में कर रहे हैं, जिसमें 42% पुरुष हैं और 12-15% महिलाएं हैं। डेथ रेट यानी मरने के आंकड़ों की अगर हम बात करें कि किसी न किसी फॉर्म में टबैको अगर आप ले रहे हैं तो विश्व में अगर हम देखें तो 80 लाख लोग ऐसे हैं जो तंबाकू के सेवन से मर रहे हैं। और इंडिया की यानी भारत की अगर हम बात करते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो तंबाकू के सेवन से जिनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, शुरुआत आपने चाहे इसकी जैसे भी की हो, चाहे आपने टीनेज में शौकिया तौर पर इसको लेना शुरू किया हो या किसी के दबाव में आके लेना शुरू किया हो, अपना स्टाइल स्टेटस मेंटेन करने के लिए शुरू किया हो, या किसी भी वजह से अगर आपने इसको लेना शुरू किया है, शौकिया तौर पर लेना शुरू किया है, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे इसकी आपको आदत लगने लगती है, ये आपकी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे इससे आप इतना ज़्यादा अडिक्ट हो जाते हैं इसके कि आप इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं और साथ ही साथ बढ़ता है इससे होने वाली बीमारियों का खतरा भी। देखिए, अगर हम सिगरेट या बीड़ी या सिगार इन सब चीज़ों की बात करें तो एक छोटी सी सिगरेट में ही कम से कम 4000 से ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, एसीटोन और निकोटिन जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। निकोटिन वो मेन कंपोनेंट है जो हर टबैको में पाया जाता है। टबैको फिर आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, उसमें निकोटिन पाया जाता है। बात करते हैं कि इसकी आपको लत कैसे लगती है। तो देखिए, टबैको में पाए जाने वाला जो निकोटिन होता है, होता क्या है, जैसे ही आप निकोटिन लेते हैं वैसे ही ये आपका जो ब्रेन है उसको एक्टिव कर देता है एंड आपके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन फील गुड हार्मोन यानी जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जब भी आप अच्छा महसूस करते हैं उस टाइम पे डोपामाइन रिलीज होता है। तो जैसे ही आप टबैको लेते हैं उस टाइम पे डोपामाइन रिलीज होने लगता है और आपको जो ये जो फीलिंग होती है ये बहुत अच्छी लगती है। आपको बहुत हल्का हल्का महसूस होने लगता है, आपको जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है, मतलब जो एकाग्रता है वो बढ़ने लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसके नुकसान आपके शरीर में देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी में निकोटीन की मात्रा कम होने लगती है वैसे वैसे आपकी जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, वो डोपामाइन के लिए क्रेव करने लगता है एंड दोबारा से आप जब भी टबैको किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर लगता है, आप रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन बॉडी का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा है, शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग है जहाँ पर इसके भारी नुकसान नहीं देखे जाते। जितने भी लोग टबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, ऐसे लोगों में देखा जाता है कि उनमें 90% कैंसर होने का खतरा बना रहता है, जो कि फेफड़ों का कैंसर होता है। 30% चांसेस होते हैं कि उन्हें कोई अन्य प्रकार का कोई कैंसर हो जाए, बॉडी के किसी भी दूसरे पार्ट में कैंसर हो जाए। 20-25% चांसेस होते हैं कि उनको हार्ट से जुड़ी बीमारियाँ हो जाएँ। सबसे पहले बात करते हैं इससे होने वाले भारी नुकसान के बारे में, जो है कैंसर।
जब भी आप टबैको लेते हैं तो देखिए आप मुंह में टबैको रखते हैं या फिर आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसकी वजह से मुंह का कैंसर जो कि आपको लिप कैंसर यानी होंठ का कैंसर हो सकता है, आपकी जीभ में कैंसर हो सकता है, आपका जो पैलेट है आपको वहाँ पे कैंसर हो सकता है, आपको गले का कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग करने से आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, तो इतने सारे आपको कैंसर होते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो type 2 डायबिटीज़ होती है या जो लोग पहले से डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं अगर वो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनकी किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए जब आप स्मोकिंग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक सिगरेट जलाई है, एक सिगरेट में जैसा मैंने आपको बताया कि 4000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं, जैसे ही आप वो धुआं इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको एस्मा यानी दमा की शिकायत बन सकती है। देखिए आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उनको भी सेकंड हैंड स्मोकर बना रहे हैं। सेकंड हैंड स्मोकर किसे कहते हैं, जो वैसे डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन अगर आप उनके आसपास स्मोकिंग करते हैं तो धुआं उनके द्वारा इनहेल कर लिया जाता है, धुआं उनके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। एक सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि 8 से 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जो हर साल सेकेंड हैंड स्मोकर हैं और इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है, नेक्स्ट जो बीमारी जो आपको हो जाती है वो है हार्ट रिलेटेड इशू यानी दिल की बीमारियां होने के चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी भी फॉर्म में टबैको ले रहे हैं तो होता क्या है, ये आपके ब्लड को गाढ़ा कर देता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, एज वेल एज आपकी जो नसें हैं वो धीरे धीरे नैरो होने लगती हैं और ब्लड को फ्लो होने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से आपको हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है या जो ब्लड है वो प्रॉपर हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, हार्ट को पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपर आपके ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है या आपके जो पैर हैं ऐसे एरियाज में ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पाता जिसकी वजह से आपको गैंग्रीन हो सकता है और आपके कई सारे बॉडी पार्ट्स इसकी वजह से काटने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपको क्लॉट्स बन सकते हैं, क्लॉट्स बनने की वजह से देखिए जैसे जैसे आपका ब्लड गाढ़ा होगा इसकी वजह से आपके खून में थक्के जमने लगेंगे जिसकी वजह से आपको ब्रेन हैमरेज या कहीं पे भी आपको हैमरेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डेंटल प्रॉब्लम, देखिए अगर आप किसी भी फॉर्म में टबैको ले रहे हैं तो दांतों से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है। सबसे पहला तो आपके दांत देखने में ही आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, आप बहुत इन्फीरियर फील कर सकते हैं अगर आप 4 लोगों के सामने खड़े हैं तो, एक तो ब्रीदिंग का भी आपको प्रॉब्लम होने लगता है, आपकी सांस में बदबू आने लगती है और आपके दांतों का कलर भी चेंज होने लगता है। दूसरा आपको सेंसिटिविटी हो सकती है मतलब दांतों में झंझनाहट हो सकती है, इसके अलावा आपके जो दांत हैं वो गिरने लगते हैं तेज़ी से क्योंकि आपके जो गम्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, आपको गम डिजीज़ यानी मसूड़ों से जुड़ी हुई दिक्कत भी हो सकती है, आपके मसूड़ों में घाव होने लगेगा और ये घाव ना भरने वाला घाव होता है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी का आपको इशू हो सकता है, मतलब अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है एज वेल एज जो स्पर्म काउंट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। फीमेल्स में अगर हम देखें तो देखिए सर्विक्स का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसके अलावा अदर हेल्थ इश्यूज़ भी फीमेल्स में हो सकते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप टबैको लेते हैं, स्मोकिंग लेते हैं तो इसकी वजह से बच्चे को कोई मेंटल इशू हो सकता है या फिर देखने में भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, कुछ ना कुछ इशू बच्चे में ज़रूर होता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है भूलने की बीमारी, मतलब आपको कोई भी चीज़ याद करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। देखिए हमारे ब्रेन में एक लेयर होती है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एक परत होती है, ये उम्र के साथ साथ धीरे धीरे पतली होती चली जाती है, इसीलिए जो ओल्ड एज ग्रुप होता है उनको भूलने की समस्या होने लगती है। लेकिन अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या किसी भी फॉर्म में अगर आप टबैको ले रहे हैं तो ये जो लेयर है ये बहुत ही तेज़ी से पतली होने लगती है और आपको यंग एज में ही भूलने की बीमारी हो सकती है। हैरानी की बात ये है कि इतने बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होने के बाद, इतने घातक परिणाम होने के बाद भी लोग इसका सेवन करते जा रहे हैं, लोगों के जो संख्या है जो लोग टबैको ले रहे हैं उनकी जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है।
इस टाइम भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो न जाने कितने लोग टबैको का सेवन कर रहे होंगे, या आधे से ज़्यादा लोग तो इस वीडियो को टबैको लेते लेते ही देख रहे होंगे। इनका आपके शरीर पर कितना नुकसान है आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। शरीर के हर हिस्से में इसका नुकसान देखा जाता है। 70% लोग ऐसे हैं जो टबैको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन 4-5% लोग ही ऐसे हैं जो इसको छोड़ पाते हैं। देखिए, इसकी आदत लगना फिर भी आसान है, लेकिन इसको छोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इसको शौकिया तौर पर लेते हैं तो अगर आप उसी टाइम पे इसको स्टॉप कर दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने हाल फिलहाल ये चीज़ें शुरुआत की है, इनकी अभी स्टार्ट किया है, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसको अपनी आदत ना बनने दें। बात करें इसके विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में, मतलब जब आप ये टबैको लेना बंद करते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपको एंग्जाइटी होने लगेगी, मतलब आपको घबराहट होने लगती है, ठीक है। अगला है आपकी जो बॉडी है वो शिवर करने लगती है, मतलब आपकी बॉडी कांपने लगती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को चिड़चिड़ापन यानी इरिटेबिलिटी होने लगती है, लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लोग अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन उनका बन नहीं पाता। इसके अलावा लोगों को डिप्रेशन जैसी शिकायत भी हो सकती है। तंबाकू के सेवन से आपके शरीर पर दर्जनों नुकसान देखे जाते हैं, लेकिन इसका एक भी फायदा नहीं है जो आपके शरीर पर देखा जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप तंबाकू का सेवन धीरे धीरे कम कीजिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई भी, अगर आप टबैको लेते हुए किसी को देखते हैं तो उनको तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए, अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। आखिर तंबाकू का सेवन आपके परिवार से बढ़कर तो नहीं हो सकता है। किसी भी चीज़ की जब लत लग जाती है तो उसको छोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए, आप टबैको छोड़ सकते हैं, ज़रूरत है बस एक स्ट्रांग विल पावर की। आपको अगर आप 7-8 बार टबैको लेते हैं तो आपको धीरे धीरे इसको एलिमिनेट करते रहना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कम्प्लीटली इसको छोड़ पाएंगे। बहुत कोशिशों के बाद भी अगर आप इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं। होम्योपैथी में दी जाने वाली मेडिसिन जो होती हैं वो आपकी जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनको कम करती हैं, एज वेल एज आपकी जो तंबाकू लेने की जो आदत होती है उसको धीरे धीरे कम करती है। आपकी इच्छा तंबाकू लेने की नहीं होती और आपकी जो विल पावर है उसको भी स्ट्रांग करती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। दवाई की डोज कितनी रखनी है, दवाई कब रिपीट करनी है, तंबाकू से होने वाले जो नुकसान हैं वो किस लेवल के आपकी बॉडी में है, या किस तरीके से आपकी बॉडी इसको अडेप्ट कर रही है, किस तरीके के चेंजेस आपको आ रहे हैं, ये एक डॉक्टर ही समझ सकते हैं। आई होप नो टबैको डे के ऊपर ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर इसलिए भी करना है ताकि लोग इससे अवेयर हो सकें कि तंबाकू के आखिर आपको कितने नुकसान हो सकते हैं। अगर आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, आपको होम्योपैथी की हेल्प चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।